मध्य प्रदेश में सरकारी सिस्टम और सिस्टम की लेट लतीफी की ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हैरान इसलिए क्योंकि अफसरों को मुख्यमंत्री का डर भी नहीं है। अब डर क्यों नहीं है इसकी बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन को लेकर ही अफसर शाही बेलगाम है। आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में लापरवाही बढ़ती जा रही है। जूनियर अधिकारी चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन मजाल है कि बड़े अधिकारियों के कान पर जू रेंग जाए। मामला जुड़ा है जल जीवन मिशन से। इस मिशन में काम करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी PHE ने खर्च की सीमा बढ़ाने के लिए विभाग के प्रमुख अभियंता यानी ENCKK सोनगरिया को 7 बार पत्र लिखा, लेकिन उनकी ओर से इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अब इसका परिणाम ये है कि उज्जैन में जल जीवन मिशन से जुड़े काम लगातार प्रभावित हो रहे हैं। इसके इतर मिशन का टारगेट भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। पूरे मामले में ENC सोनगरिया का पक्ष जानने के लिए 10 सूत्र ने उन्हें फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। बाद में मैसेज भी किया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उज्जैन खंड के कार्यपालन यंत्री यानी ईई की ओर से सबसे पहले 1 अप्रैल 2024 को प्रमुख अभियंता KK सोनगरिया को पहली चिट्ठी लिखी गई। इसमें KK ने काम के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने की मांग की। इसके बाद 15 मई 7 जून 18 जून 12 जुलाई और 24 जुलाई को भी पत्र भेजा गया। इसके बाद सभी पत्रों की तारीखों को मेंशन करते हुए ईई ने 7 अगस्त को फिर एक चिट्ठी लिखी। आपको वो चिट्ठी पढ़कर सुनाते हैं जो ईई ने लिखी है। प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रगतिरत योजनाओं के लंबित देयकों के भुगतान हेतु संदर्भित पत्रों के द्वारा समय समय पर आवंटन का मांग पत्र प्रेषित किया गया था, लेकिन मांग पत्रों के अनुसार आवंटन राशि उपलब्ध नहीं होने से कार्यरत कार्य एजेंसी के द्वारा कार्य अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है, जिस कारण प्रगतिरत योजनाओं का कार्य प्रभावित हुआ है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला एवं उज्जैन दक्षिण विधानसभा के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के संबंधित जनप्रतिनिधियों, माननीय विधायक महोदय एवं जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा कार्य की समुचित प्रगति प्राप्त नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है, जिससे कि छवि धूमिल हो रही है। अतः अनुरोध है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत MP 317 में शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यों का भुगतान किया जाए और योजनाओं के कार्यों में प्रगति प्राप्त की जा सके। अब खुद सोचिए, सरकारी सिस्टम और उसमें काम करने वाले लोग किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। जूनियर अधिकारी बार बार एक ही काम के लिए चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन सीनियर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब जब सोनगरिया कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो जल जीवन मिशन के काम अटक गए हैं। ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो पा रहा है, इसका नतीजा है कि काम ठप पड़ा है। अगर सोनगरिया टाइम पर कार्रवाई करते तो बजट का आवंटन हो जाता और अटके काम पूरे हो जाते। आपको बता दें कि KK सोनगरिया PHE के प्रमुख अभियंता हैं। अप्रैल 2024 में साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन संविधा के आधार पर फिर आकर बैठ गए। दिसंबर 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काम में लापरवाही बरतने पर सोनगरिया को हटा दिया था, लेकिन साहब की पहुंच अच्छी रही होगी तो संविधा के आधार पर फिर आकर बैठ गए, और ऐसे बैठे कि काम को ही बैठा दिया। अब खुद सोचिए, जब मुख्यमंत्री के जिले का ये हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या ही हाल होगा। जबकि उज्जैन से बेहतर काम तो मंडला ने किया है, यहाँ 100% टारगेट पूरा कर लिया गया है। अब उज्जैन का काम क्यों पिछड़ा, इसका अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।